अरुण बख्शी एक ऐसे फिल्म अभिनेता है जिन्होंने न केवल हिंदी सिनेमा में अपनी एक दमदार पहचान स्थापित की है, बल्कि वे टीवी और पंजाबी सिनेमा में भी एक लोकप्रिय नाम है। वे पिछले कई दशकों से हिंदी सिनेमा में लगातार सक्रिय हैं। आजकल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में फिल्म 48 कोस की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो पूरे विश्व भर में विख्यात है, इन दिनों इसी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 48 कोस फिल्म का अंतिम शेड्यूल कैमरों में कैद हो रहा है। फिल्म 48 कोस 11 मार्च को बॉलीवुड के तमाम मंचों पर दिखाई देगी। 48 कोस फिल्म को लेकर फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी ने बताया कि कुरुक्षेत्र की इसी धरा पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान आज समस्त विश्व भर में प्रचारित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यश बाबू एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित 48 कोस फिल्म एक सकारात्मक संदेश के साथ मील का पत्थर साबित होगी। गौरतलब है कि प्रख्यात फिल्म अभिनेता अरुण बख्शी की कई फिल्में इतिहास के पर्दे पर अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। महाभारत सहित कई बड़े सीरियलों में भी अरुण बख्शी ने अपना दमदार अभिनय दिखाया है। गायक और अभिनेता के तौर पर अरुण बख्शी फिल्मों के मंच पर जाने जाते हैं। वे आजकल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 48 कोस फिल्म की चल रही शूटिंग में कितने व्यस्त है आप देख सकते हैं। अरुण बख्शी ने बताया कि फिल्म 48 कोस 11 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इस फिल्म के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण द्वारा कर्म के संदेश की प्रासंगिकता वर्तमान संदर्भों में भी कितनी कारगर है, किस तरह से विश्वविख्यात यह धरा जहां से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया जो आज भी विश्व भर में गूंज रहा है, यानी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की महत्ता और कर्म का संदेश अब 48 कोस फिल्म के माध्यम से भी विश्व भर में प्रचारित होगा। उन्होंने बताया कि जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था तो उस समय भी कलाकारों को हमने जिंदा रखा था। उन्होंने कहा कि कलाकारों की कला कभी कैद नहीं हो सकती। जब पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था उस समय भी अपनी कला को हमने जिंदा रखा और बहुत सारे लोगों को आत्महत्या करने से भी बचाया। उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन संगीत के माध्यम से लोगों की मनोदिशा को भी सुधारा है। कोरोना के घनघोर समय में भी संगीत के जरिए लोगों को बचाया है। फिल्म 48 कोस के निर्माता निर्देशक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि अब तक वे कई फिल्में बना चुके हैं और अब 48 कोस फिल्म बना रहे हैं, जिसके अंतिम चरण की शूटिंग कुरुक्षेत्र में हो रही है। इसका कंटेंट भी उन्होंने खुद लिखा है। फिल्म 11 मार्च को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। 48 कोस जीवन सार, गीता का सार जो है पूरा 48 कोस में ही है। कहां पांडव, कहां कौरव, कहां धृतराष्ट्र, कहां पांडु, कहां कृष्ण भगवान। कृष्ण की माया जो है वो 48 कोस में ही है और उसकी जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, बहुत दूर दूर तक। जिसने गीता नहीं पढ़ी उसने कुछ नहीं पढ़ा। 18 अध्याय विषाद योग से लेके मोक्ष, मोक्ष संन्यास योग, जिसने ये 18 अध्याय पढ़ लिए समझ लीजिए कि उसका जीवन बन गया। एंड ऑल मार्क्स टू माय डायरेक्टर यश बाबू राजेंद्र, जिन्होंने इसके बारे में सोचा, इन्होंने लिखा इसको और यही इसके दिग्दर्शक हैं और यही अपनी हार्ट एंड मनी को इस फिल्म में लगा रहे हैं। कोस और ये सब 1.5 साल से बना रहे हैं। मैंने पिछले साल स्टार्ट की थी, इसी बीच में कोविड आ गया तो फिल्म का थोड़ा सा शेड्यूल लंबा हो गया। और इसी बीच में जब पहला हमने शेड्यूल पूरा किया था तो पंकज बेरी जो फिल्म के उसमें आचार्य का रोल किया था इन्होंने, और साथ में अरुण बख्शी जी को मैंने बाद में लिया, तो ये श्यामलाल जी का रोल कर रहे हैं। और इन्हीं के अपोजिट अनिल धवन जी हैं, डेविड धवन जी के भाई साहब, वो उसमें लाला धनी राम का रोल कर रहे हैं। ये फिल्म 48 कोस के ऊपर बनाई गई है और आज हमारी फिल्म पूरी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इसमें हम कुरुक्षेत्र से संबंधित जितने भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, जिस तरह से सब लोग हर किसी का किसी धर्म में विश्वास है, किसी गुरुजी में विश्वास है, तो इस फिल्म में गीता के बारे में जितना भी मैंने दिखाया है उसमें मैं चाहता था कि गुरु जी का जो कर्म करो फल की इच्छा ना हो, इस फिल्म में सब कुछ दिखाई देगा सार, बिल्कुल दिखाई देगा। और आप इस फिल्म को जो ये कंटेंट है, जो सब्जेक्ट है, लिखा भी मैंने, जब मैं लिखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद धार्मिक फिल्म लिख रहा हूँ। जब मैंने अलग अलग इनको किरदार भेजा, मैंने अरुण बख्शी जी को जब इनका किरदार भेजा
तो इन्होंने बोला कि मुझे पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे रोल चाहिए और मैं ये रोल करने आ रहा हूँ। रोल में अदा करें, कौन सा रोल रहेगा अरुण बख्शी जी का? क्योंकि हालांकि बताया, अरुण बख्शी जी थोड़े से अहंकारी है, दानवीर है, लेकिन उनको पैसे के साथ 48 कोस में क्या इनकी मुख्य भूमिका है? 48 कोस में ये दानवीर है लाला श्यामलाल, और ये सिर्फ कुरुक्षेत्र भ्रमण करने आते हैं अपने बेटे के साथ और पत्नी के साथ, और ये यहीं के रह जाते हैं और लाला धनी राम जी का मुकाबला के साथ इनका आखिर तक मुकाबला है। कंप्लीट फिल्म बन के, फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, 11 मार्च को भगवान ने चाहा तो ये फिल्म पूरे देश भर में 1000 स्क्रीन पे दिख रही है। मैं लगभग अभी 20 शॉर्ट फिल्में कंप्लीट कर चुका हूँ और 4 मेरी जो थी फीचर फिल्म कंप्लीट हुई हैं, और सीरियल है मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी मेरा किरदार रहा है, और आने वाली मेरी पंजाबी फिल्में भी हैं, वेब सीरीज़ अभी मेरी एक आ रही है जट रोमांटिक करके, और जिसके सेट पर मैं अभी अवेलेबल हूँ। ये जो फिल्म है 48 कोस, इसमें मैं एक गुरुकुल के टीचर के किरदार में हूँ, जो मेरा करेक्टर जो है, मैं अजीत मेरा करेक्टर का नाम है, और मेरा जो करेक्टर है वो एक बिल्कुल डिफरेंट करेक्टर है जो आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म में। मैंने क्या किया वो अभी आप, वो सीक्रेट है, वो आपको नहीं बताऊंगा मैं, वो बाद में सब आप जब पर्दे पर देखेंगे, और पर्दे पर फिल्म आ रही है जल्दी, आपको इसी मार्च के महीने में हमारी फिल्म देखने को मिलेगी। बड़ा अच्छा अनुभव रहा है मेरा, पिछले 10 वर्षों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, और हरियाणा की इंडस्ट्री से मेरा जन्म हरियाणा में ही हुआ है, तो इसको देखते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये फिल्म जो है एक नए आयाम को स्थापित कर रहेगा। फिल्म का क्या खास मुकाम मंजिल? 48 कोस जो फिल्म है, ये फिल्म जो है एक बिल्कुल एक ये कोई साधारण फिल्म नहीं है, ये डिफरेंट फिल्म है पूरी, और इस फिल्म में 48 कोस को जिस प्रकार से यश बाबू एंटरटेनमेंट ने दिखाया है वो एक बेहतरीन काबिले तारीफ है, उसका मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बेहतरीन मेरे लिए एक डिफरेंट जो है अनुभव रहा है। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र यानी विश्व विख्यात इस फिल्म में दिखाई दे। यस यस यस, ये देखने को मिलेगा, बहुत कुछ है नया, मैं अभी खोलने वाला नहीं, वो जो आप पूछना चाह रहे हो तो वो पर्दे पर आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन मजा आएगा उसका। इस फिल्म में मुख्य किरदार किस रूप में देखेंगे? हाँ, मुख्य किरदार में अनिल वर्मा जी है इसमें लीड रोल कर रहे हैं जो, और अनिल आपका क्या, आपका खास करेक्टर क्या रहेगा? मेरा अजीत करेक्टर है, मैं गुरुकुल का टीचर हूँ, मेरी कन्वर्सेशन है अनिल वर्मा जी के साथ में जो मेन रहा है, तो वो आप देखेंगे काफी सारे सीन्स हैं वो आप।